28 अगस्त को दोपहर 12 बजे रायपुरा थाना से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई कि 27 अगस्त को थाना प्रभारी राकेश तिवारी को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि रायपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक संदिग्ध व्यक्ति काफी मात्रा में सोने चांदी के जेवर जो कि रायपुरा में विक्रय करने की फिराक में घूम रहा है। चोरी की आशंका को देखते हुए थाना प्रभारी रायपुरा द्वारा उक्त घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना एवं अनुविभागीय अधिकारी रक्षपाल सिंह यादव को दी गई। इस बात को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षक महोदय पन्ना द्वारा तत्काल पवई SDOP रक्षपाल यादव एवं थाना प्रभारी रायपुरा राकेश तिवारी को टीम गठित कर मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में मुखबिर द्वारा बताए अनुसार टीम ने रायपुरा के झंडा बाजार में दबिश देकर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने के उपरांत उसके पास से एक प्लास्टिक का डिब्बा मिला। तत्पश्चात रायपुरा पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि और भी जेवरात थे जिन्हें उसने रायपुरा कस्बा के झंडा बाजार में स्थित दो सोने को बेचा है। इसके बाद संदिग्ध व्यक्ति से जेवरात के कागज रसीद मांगी गई, लेकिन उसके पास ना तो बिल प्राप्त हुए और ना ही रसीद प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछने पर उक्त जेवरात कहां से आए तो बताया गया कि यह जेवरात उसका लड़का मुंबई में मजदूरी करता है, वहां से चोरी करके लाया है। उक्त सोने के जेवरातों को मौके पर गवाहों के समक्ष तोल कर पंचनामा करते हुए जब्त किया गया। एक व्यक्ति पूना गाँव का, रायपुरा क्षेत्र के पूना गाँव का, कुछ सोने चांदी के जेवर जो चोरी के प्रतीत होते हैं बेचने के लिए घूम रहा है, और उसने कुछ सोने चांदी के दुकानदारों को कुछ उसने बेचे भी हैं। इस सूचना पर जो है, इस सूचना की तस्दीक के लिए थाना प्रभारी रायपुरा अपनी टीम के साथ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछताछ की, जो उसने बताया कि उसका लड़का बम्बई में मजदूरी करता है, वहीं से चोरी करके लाया है जी। लगभग 180 ग्राम सोना, लगभग 18 तोला सोना उनके कब्जे से मिला, और काफी बड़ी मात्रा में उन्होंने सोना कुछ इनको रायपुरा के शराफा व्यापारियों को बेच दिया है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रायपुरा से कैलाश सेन की रिपोर्ट।